Dear students, hello and welcome to this video lecture series brought to you by CLAT Gurukul. This is our official YouTube channel. I am Animesh Jha and this video is regarding legal aptitude. This is day 13th of our 50-day crash course program. Now again, today we'll be discussing few questions related to legal GK as well as legal reasoning. Now let's begin with the maxim of our day. Today's maxim is just cogens. Just cogens is a maxim related to international law. It's related to international law. It means the preemptory norm of general international law. Yani ki jo international law ke samanya principles hain unko hum just cogens kehte hain. Isko dhyan mein rakhiyega, hai na? Aapko yaad rakhna padega. International law ke alawa aapko aur bhi maxims milenge like opinio juris. ये मैक्सिम है इंटरनेशनल लॉ का. आप लोगों का असाइनमेंट है कि पता करके बताइए कि इसका मतलब क्या होता है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक मैक्सिम यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि द लीगल्स आर ट्रीटीज आर लीगली बाइंडिंग, है ना, कि जो भी कंट्रीज ट्रीटी करती है वो अपने उस ट्रीटी को पैक्टा सेंट सर्वेंडा कहते हैं इसको. यानी कि ऑल द ट्रीटी कंट्रीज फुलफिल द ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन गुड फेथ. जो भी कंट्री ट्रीटी करते हैं उसके ऑब्लिगेशन को गुड फेथ में फुलफिल करते हैं, इसी का नाम है पैक्टा सेंट सर्वेंडा. ध्यान में रखिएगा इसको, ये भी क्लैट के क्वेश्चन आता रहता है और आप लोगों को पता करना है कि ओपिनियन जूरिस का मतलब क्या होता है. अभी एक लीगल करंट अफेयर क्वेश्चन है जो ये कहता है, सो हाई कोर्ट रिसेंटली डिसमिस्ड अ पीआईएल टू रेगुलेट सम गुड कंटेंट. नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो, आई लाइक देम वेरी मच. सम पीपल से आई एम एडिक्टेड बट स्टिल व्हाट दे डू नो. सो अब क्या है कि उसको कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल डाली थी कि आप रेगुलेट या सेंसर करें नेटफ्लिक्स में बहुत सारा एडल्ट कंटेंट है. कुछ अच्छे शोज आते हैं पर लोगों को दिक्कत तो होती है, लोगों की भावनाएं आहत होती रहती. तो उन्होंने कहा कि इसको रेगुलेट किया जाए. तो उसको किस हाई कोर्ट ने, एज यू कैन एक्सपेक्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम बिल्कुल रेगुलेट नहीं करने वाले नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो को, और जैसा ये अच्छा चल रहा है वैसा अच्छा चलना चाहिए, है ना. और जिन लोगों ने मिर्ज़ापुर या सीक्रेट गेम्स नहीं देखी है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड, पर क्लैट के बाद देखिएगा. आगे बढ़ते हैं. ये हो गए आपके थोड़े यूपीएससी स्टाइल के क्वेश्चन. अगर क्लैट में उनको टफ क्वेश्चन डालने का मन होगा तो वे ऐसे क्वेश्चन डालेंगे. ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सिक्स राइट्स गारंटीड अंडर 19 कैन बी सस्पेंडेड. तो आप लोगों को पता है अंडर आर्टिकल 359 जैसे ही नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है, नेशनल इमरजेंसी, वैसे ही क्या होता है 19 सस्पेंड हो जाता है. और इमरजेंसी के ग्राउंड क्या क्या हैं, तो एक्सटर्नल एग्रेशन है और क्या है, आर्म्ड रेबेलियन है. आर्म्ड रेबेलियन है, इसके अलावा किसी और ग्राउंड पे सस्पेंड नहीं होता है. तो इसका आंसर है वन ओनली. ध्यान में रखिए, इंटरनल इमरजेंसी जैसी कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी के प्रोविजंस को अब्यूज़ किया था तो उस समय इसका नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस. इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ये बहुत ही वेग टर्म था. इसको जिस पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दी थी, जिसके बाद इसको अमेंड करके आर्म्ड रेबेलियन बनाया गया है. इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल टू फॉरनर्स इन इंडिया, RTE, राइट टू एजुकेशन या राइट टू इन्फॉर्मेशन. तो राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का पार्ट है. किसका पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट, इसलिए वो पर्सन्स को अवेलेबल है. जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन किसको अवेलेबल है, सिटीजन्स को. ध्यान में रखिए, इसका आंसर है वन ओनली. राइट टू एजुकेशन बीइंग पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सब लोगों को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, पर राइट टू इन्फॉर्मेशन केवल सिटीजन्स मांग सकते हैं. फिर इसको आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट इनशाइंड आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका आंसर ये है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है. आरटी एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है. इसको सुप्रीम कोर्ट ने सटलिटी में कई बार कहा है कि ये फंडामेंटल राइट है, बट नंदरस आर्टिकल 19(1) में इसका कहीं मेंशन नहीं है. और इसका इसके लिए आरटीआई एक्ट है, है ना, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है रादर देन फंडामेंटल राइट. अगला है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट. ये बात सही है. क्यों सही है, क्योंकि अभी तो 2016 में एक बेंच बनी थी जिसने कि ये रेफर किया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को कि सुप्रीम कोर्ट को आरटीआई के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. अभी सोलिसिटमेंट नहीं आया है. सो अभी जो स्टैंडिंग लॉ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आरटीआई के अंदर
नहीं आती है जनरली, और खासकर कॉलेजियम के फैसले नहीं आते हैं। तो इसका आंसर है टू ओनली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आरटीआई के डोमेन के जनरली बाहर है, उनका कंडक्ट बाहर है। आगे क्या है कि आर्टिकल 32 के रेफरेंस विद द रेफरेंस टू, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 32 में हमको समझना है कि दोनों स्टेटमेंट क्या है। तो पार्लियामेंट कैन सस्पेंड दिस राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ये राइट गलत है। सिर्फ इन्फोर्समेंट 32 को ख़त्म नहीं कर सकते, केवल 19 और बाकी राइट्स का, जैसे कि 20 और 21 को तो ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते, और 32 को सस्पेंड कर सकते हैं सिर्फ उन फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में जिनको सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी में। 32 सस्पेंड नहीं कर सकते, राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड नहीं कर सकते कभी भी पार्लियामेंट इमरजेंसी में या कभी भी। दूसरा है, ओनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू डील विथ टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये भी गलत है। हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 भी रिट इशू कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कौन से करेक्ट हैं, नन आर, नन इज करेक्ट। अब आते हैं हम लोग अपने लीगल रीजनिंग के सेक्शन पे। आई होप मैंने सारे डिस्कस किए हैं इसमें, हाँ करेक्ट, सारे डिस्कस हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्णिमा एंड काव्या एंटर इनटू अग्रीमेंट विद काव्या प्रॉमिस टू पे सम ऑफ रुपीज 2 लाख टू पूर्णिमा इफ राहुल गांधी जी बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे फैक्चुअल कैरेक्टर है, ध्यान से समझिएगा। बिफोर इलेक्शन वाज प्रेडिक्टेड बाय ऑल जर्नलिस्ट दैट नो केस राहुल गांधी बी द पीएम इन रीसेंट इलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड ओपिनियन गिव्स द सेम आइडिया, ठीक है। अब पूर्णिमा ने मांग लिए अपने पैसे, भले ही अभी इलेक्शन नहीं हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर प्रिंसिपल दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट शैल बी इनफोर्सिएबल ओनली आफ्टर इट बिकम्स इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल नहीं इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे कहा है कि नहीं, अगर बनते हैं पीएम 2019 में तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा। जब तक उनका पीएम बनना इम्पॉसिबल नहीं रहता 2019 में, तब तक उनको पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पे भले ही जर्नलिस्ट ने प्रिडिक्ट कर दिया है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है कि वो पीएम बन जाए, है ना, इसीलिए आई एम रूटिंग फॉर हिम। ओके, सो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है सी। अब आप लोग कह सकते हैं ये वेजरिंग है या नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल वेजरिंग का नहीं दिया है तो हम वेजरिंग की बुद्धि नहीं लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजिंग है, ओपिनियन ऑफ जर्नलिस्ट नॉट क्रेडिबल एंड ओपिनियन पोल्स आर रिसेंटली बैंड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये अगेन एक इन्फॉर्मेशन देता है जो कि एलियन है, और ये एक एलियन कंक्लूजन और एक अजम्पशन है कि ओपिनियन ऑफ जर्नलिस्ट इज नॉट क्रेडिबल, ये भी आपका एक सपोजिशन है, बट करेक्ट आंसर इसका ये नहीं हो सकता है। अगला नया क्वेश्चन देखिए, अ पुलिस ऑफिसर ड्यूटी है, अपने दुश्मन से मिलता है सड़क पे, वहाँ पे उनमें कुछ शब्दों का ऐसे होता है जिसके बाद पुलिस ऑफिसर ने डंडा उठाया और अपने दुश्मन को पीट दिया। सुरेश ने स्टेट पर केस फाइल किया, क्या स्टेट लाइबल है? तो क्वेश्चन है, सॉवरेंटी इम्यूनिटी जो है वो पब्लिक सर्वेंट को प्रोटेक्ट करती है, बट उन एक्ट्स के लिए प्रोटेक्ट नहीं करती है, है ना, जो कि प्राइवेट पर्सन या अथॉरिटीज भी कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या ये सॉवरेन फंक्शन है? तो ये सॉवरेन फंक्शन नहीं है, क्योंकि सुरेश ने क्राइम किया और क्राइम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसीलिए क्या होगा आंसर इसका, ए होगा, वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में था और सॉवरेन इम्यूनिटी उसकी नहीं है। क्यों इम्यूनिटी नहीं है? क्योंकि जो एक्ट उसने किया वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता था, ध्यान में रखिएगा, है ना। और बाकी ये इफ बट वाले आंसर गलत हैं, ऑफिशियल डंडा यूज ना करता तो भी वो उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो सॉवरेन फंक्शन नहीं था क्योंकि उसने अपनी पर्सनल एनिमिटी से काम किया था। आगे बढ़ते हैं, अनिमेश उस फॉन्ड ऑफ ये मेरा नाम किसने डाल दिया है, आई फायर माई कंटेंट टीम, है ना। लेकिन नॉनदलेस अल्कोहलिक बेवरेज सिंगल मॉल्ट विस्की, उसके पास लार्ज कनेक्शन था, डॉक्टर ने उसको मना किया कि भी मर जाओगे, तो इन्होंने जाकर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और उनको नहीं बताया कि मैं शराब पीता हूँ। 2 साल बाद लिवर फेल हो गया, तो इंश्योरेंस के पैसे मांगे, तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो प्रिंसिपल इब्रिमाई फिडेई का है, इब्रिमा फिडेई मैंने आपको एक बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिसका मतलब होता है कि अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। अब इन्होंने शराब पीते हैं ये बात उन्होंने नहीं बताई हेल्थ इंश्योरेंस में, तो इन्होंने क्या किया, फ्रॉड किया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही मटेरियल इन्फॉर्मेशन छिपाया। तो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा इन्फॉर्मेशन, बी होगा, क्योंकि डिस्क्लोज करने में वो फेल हो गए,
ड्रिंकिंग हैबिट्स जो कि एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन था, डिजीज बाद में हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। अब उसने जानबूझ करके छोड़ दिया इन्फॉर्मेशन या गलती से छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्या है, द मनी बिकॉज ही इज फ्रॉम बिहार। अब ये देखिए बिहार से ही कहाँ लिखा है फैक्ट में, तो प्रिज्यूम नहीं करेंगे, है ना। तो इसका आंसर बी है। अगला है, करीना एंड कटरीना आर गुड फ्रेंड्स बट वी आर गोइंग थ्रू अ रफ फेज इन फ्रेंडशिप। करीना इन ऑर्डर टू सॉर्ट दिस सडनली हग करीना फ्रॉम बिहाइंड व्हेन शी फाउंड हर इन मेट्रो एंड किस्ड हर। अब केस करेंगे तो केस किया है, तो अब यहाँ पे उसको पनिश करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल फिक्टिशियस है, ऐसा कोई प्रिंसिपल है नहीं, बट इमेजिनरी प्रिंसिपल है। क्लैट का नोटिफिकेशन भी अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि द इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट दी प्रिंसिपल बी अ एक्चुअल सपोजिशन ऑफ लॉ, एक्चुअल प्रपोजिशन ऑफ लॉ, बट रादर इट इज इट कैन बी इमेजिनरी। तो क्या है कि एनी पर्सन वॉलंटरली किसी अनदर पर्सन विदाउट हिज और हर कंसेंट इन अ पब्लिक प्लेस शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 5 years। अब मेट्रो पब्लिक प्लेस है, बिल्कुल है, है ना, लेकिन और बिना कंसेंट के किस किया यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। इसलिए क्या होगा आंसर, ये आपका वैलेंटाइन डे स्पेशल क्वेश्चन है, आंसर है डी, मेट्रो में पाया और पब्लिक प्लेस था, बिना कंसेंट के किस किया, है ना। अब क्या है यहाँ पर, एक ऑप्शन है लॉ डज नॉट फील द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग जस्ट एंड रीजनेबल। तो जो लॉ है वही लॉ है, वो फेयर और रीजनेबल हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। अगला है कि हर एक्ट इज ऑब्सीन एंड नॉट फिट बिटवीन इन पब्लिक। अब ऑब्सिनिटी का प्रिंसिपल नहीं दिया है तो हम उसकी बुद्धि नहीं लगाएंगे। अब अगला है किसिंग समवन ऑफ सेम जेंडर, यहाँ पे जेंडर की कोई बात कही गई है क्या, तो ये आंसर भी गलत होगा इस वजह से, इसलिए क्या है इसका आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, एक मजेदार सा क्वेश्चन ये भी है। एबीसी इंडस्ट्री वॉज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल रफ टाइम और इन्होंने को सारे वर्कर्स से एफिशिएंसी चाहिए। एक एम्प्लॉय सरला है जो कि 6 साल में 6ठी बार प्रेग्नेंट हो गई। एबीसी इंडस्ट्री ने उनको सर्विस से रिमूव कर दिया, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये है प्रिंसिपल में कि एवरी एम्प्लॉयर अंडर एन ऑब्लिगेशन कि वो मैटरनिटी रिलीफ दें इन केस दे गॉट प्रेग्नेंट। मैटरनिटी रिलीफ 12 वीक्स बिफोर और आफ्टर चाइल्ड बर्थ है, मैटरनिटी बोनस भी है विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू एन एडवर्स डिसीजन रिगार्डिंग हर एम्प्लॉयमेंट। सो इफ अ वुमेन गेट्स प्रेग्नेंट यू आर नॉट सपोज टू ट्रीट हर एडवर्सली, है ना, तो उनको वहाँ पे देना पड़ेगा बेनिफिट और उनको निकाला है, वो गलत किया है। क्यों, बिकॉज शी वॉज सब्जेक्टेड टू एडवर्स डिसीजन। यहाँ पे आंसर है इसका ए। अब बाकी क्वेश्चन, सरिता विल लूज बिकॉज मेटर्निटी बेनिफिट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 children, ऐसा कहीं प्रिंसिपल में नहीं दिया। बाकी ये बात होती है लेकिन ऐसा दिया नहीं है प्रिंसिपल में, तो हम प्रिज्यूम नहीं करेंगे। अब सरला विल बी विन शील नॉट बी गेटिंग लीव विथ पे बट शैल बी इंटाइटल टू बोनस। अब ये भी अगेन अपसर्ड है, प्रिंसिपल से रिलेशन नहीं है। अगला है, सरला विल लूज बिकॉज हर रिपीटेड प्रेगनेंसी कैनॉट बी अफोर्डेड बाय कंपनी एज दे आर हैविंग फाइनेंशियल ट्रबल। तो देख लीजिए, एक वुमेन को प्रेग्नेंट होने की वजह से पेनलाइज नहीं किया जा सकता है। अभी बहुत फेमस केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी बेनिफिट को फंडामेंटल राइट से जोड़ा था। आर्टिकल 14 का केस है, केस का नाम है नरगिस मिर्ज़ा वर्सेज एयर इंडिया, या एयर इंडिया वर्सेज नरगिस मिर्ज़ा है, आप एक बार चेक कर लें, एयर इंडिया। यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं। थैंक यू सो मच बच्चों, दिस इज ऑल फॉर द डे। ये क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी कोई और क्वेरी है, कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और आप चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, कुछ सजेशन है आपका, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लीगल जी ए क्वेश्चन चाहिए तो इस ईमेल आईडी पर आप एक मेल भेज सकते हैं, जिसके बाद हम आपको लीगल जी ए क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर सकते हैं। नाउ इट्स क्विज टाइम, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जिसका आपको सही सही आंसर देना है। आप हमें बताइएगा कि उसका सही आंसर क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से सीजर हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी एक्ट किया है, वाइस प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट किया है और प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट किया है, वो कौन से चीफ जस्टिस हैं भारत के, ये बताइए। नरगिस मिर्ज़ा के फैक्ट बताइए और बताइए ओपिनियो जूरिस क्या होता है। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। फर्दर हम अगली बार से वीडियो लेक्चर सीरीज में भी क्विज लेकर के आने वाले हैं जल्दी, जिसमें लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे एज अ क्विज, एक एक्स्ट्रा शीट, और आपको उसका करेक्ट आंसर हमें बताना है वीडियो बॉक्स में। इफ़ यू लाइक दैट काइंडली शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, और लोगों को आपके जितने भी मित्र हैं उनको बताइए हमारे वीडियोज़ के बारे में। हम लोग अपनी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 19th February से। If you want to join us. If you have any query, we are feel free to ask. Thank you so much. This is all for the day. I am Animesh signing off.
I wish you well.